वेल दोस्तों, आज इंडिया के अंदर टोटल 107 यूनिकॉर्न्स हैं और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप में से जिन लोगों को नहीं पता है कि एक यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक यूनिकॉर्न मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी हो और इंडियन रुपीज के अंदर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 8,000 करोड़ से भी ज्यादा होती है। लेकिन वहीं पर IBM इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 90% स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो अपनी शुरुआत के पहले 5 सालों के अंदर ही बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां पर इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर बिल्ड हो रहे हैं, वहीं पर इतने ज़्यादा संख्या में स्टार्टअप क्यों फेल हो रहे हैं। दोस्तों, आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के हमारे इस बुक से, जिसका नाम है दोस्तों 0 to 1, जिसे लिखा है दोस्तों पीटर थिल ने। दोस्तों, ये बुक स्टार्टअप ओनर्स के लिए एक बाइबल के समान मानी जाती है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस बुक से 14 ऐसे लेसन शेयर करने वाला हूँ, जिनको अगर आप अपने स्टार्टअप बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो आप जरूर एक सक्सेसफुल बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे, जिसकी वैल्यूएशन भी $1 बिलियन को जरूर क्रॉस कर पाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी कोई आइडिया है और उस आइडिया को लेकर के आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे सबसे पहले रूल के बारे में, जो है 0 to 1 तक जाना। दोस्तों, पीटर थिल हमें कहते हैं कि अगर आज के समय में हम कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें 0 to 1 तक जाना होगा। उनके अनुसार बिजनेस में हर चीज़ केवल एक ही बार होती है। उनका मानना है कि अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा और ना ही अगला मार्क जकरबर्ग एक सोशल मीडिया साइट बनाएगा और ना ही अगला लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन कोई सर्च इंजन बनाएगा। तो उनका मानना है कि आज के समय में अगर आप इन लोगों से प्रभावित होकर के इनके जैसे ही बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आप इनसे सीखने की बजाय इनको कॉपी कर रहे हैं। जब भी हम कुछ ऐसा बिल्ड करते हैं जो ऑलरेडी पहले से इस संसार में एग्जिस्ट करता है, तो हम 0 to 1 तक जाने की बजाय 1 to N तक जाते हैं। यानी कि हम इस संसार में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाते हैं जो पहले से ही उस प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में जानता है। लेकिन जब हम कुछ ऐसा बिल्ड करते हैं जो बिल्कुल नया होता है, यूनिक होता है, तो हम 0 to 1 तक जाते हैं। पीटर थिल के अनुसार, जब तक कोई कंपनी नई चीज़ों या फिर नई टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तब तक वह आज के समय में सफल नहीं हो सकती। और ये बुक 0 to 1 इसी बारे में है कि ऐसी कंपनियां कैसे बनाई जाएं जो नई नई टेक्नोलॉजी बिल्ड करके 0 to 1 तक जाएं। और इस बुक के अंदर पीटर थिल उन्हीं एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करने वाले हैं जो कि उन्होंने पेपैल, स्पेसएक्स और फेसबुक के अंदर शुरुआती समय में काम करने पर एक्वायर किए थे। द चैलेंज ऑफ फ्यूचर, भविष्य यानी कि फ्यूचर, उन सभी मूवमेंट से मिल करके बना होता है जो भी आपके सामने आने वाले हैं लेकिन अभी तक आपके सामने नहीं आए हैं। फ्यूचर में कोई भी कंपनी तभी सक्सेसफुल बनेगी जब वह प्रोग्रेस करेगी, और ये प्रोग्रेस 2 टाइप की हो सकती है। पहला, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस या फिर ग्लोबलाइजेशन। जब हम ऐसी चीज़ों को बनाते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं तो हम हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस करते हैं, इसे 1 to N तक जाना कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक टाइपराइटर ले करके उसके जैसे 100 टाइपराइटर्स को बनाते हैं तो आपने हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस की है। और चाइना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो देश और दुनिया में पहले से सक्सेसफुल प्रोडक्ट को बनाता है। लेकिन जब हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो नया होता है, यूनिक होता है, तो हम वर्टिकल प्रोग्रेस करते हैं, जिसे ऑथर 0 to 1 तक जाना कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब लोग पैदल चलते थे उस समय में साइकिल, और फिर साइकिल से मोटरसाइकिल, और उसके बाद कार को बनाना वर्टिकल प्रोग्रेस कहलाता है। 1 to N तक जाना यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस करना आसान होता है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि हमें क्या बनाना है और वो कैसा दिखता है। लेकिन 0 to 1 तक जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसे में हमें कुछ ऐसा करने की आवश्यकता होती है जो कि किसी ने भी पहले नहीं किया हो। बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस के लिए ग्लोबलाइजेशन वर्ड का उपयोग किया जाता है।
ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, यानी कि जो चीजें ऑलरेडी कहीं पर काम कर रही हैं उन्हीं को लेकर के कहीं और काम करने के लायक बनाना हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस या फिर ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। लेकिन वर्टिकल प्रोग्रेस के लिए हम जिस शब्द का उपयोग कर सकते हैं वो है टेक्नोलॉजी। सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करके ही हम 0 से 1 तक जा सकते हैं। पीटर थिल के अनुसार अधिकतर लोग सोचते हैं कि संसार का भविष्य ग्लोबलाइजेशन पर ही आधारित है, लेकिन सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा मायने रखती है। अगर टेक्नोलॉजी में बदलाव किए बगैर चीन आने वाले 2 दशकों में अपने एनर्जी के प्रोडक्शन को 2 गुना बढ़ा लेता है तो वह अपने वहाँ पर होने वाले एयर पोल्यूशन को भी 2 गुना कर लेगा। पीटर थिल के अनुसार नई टेक्नोलॉजी नए बिजनेसेस से आती हैं जिन हम स्टार्टअप्स कहते हैं, क्योंकि बड़े बिजनेसेस जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं उनमें बदलाव करना थोड़ा मुश्किल होता है, और ऐसी कंपनी जिनमें प्रमोशन धीरे धीरे होता है उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। वहीं दूसरी ओर एक अकेला जीनियस केवल किसी आर्ट या फिर लिटरेचर का क्लासिक वर्क तैयार कर सकता है लेकिन पूरी इंडस्ट्री को नहीं बना सकता। ऐसे में केवल स्टार्टअप्स के पास ही वो पावर होती है जिससे वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी काम को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ मिल करके नए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी स्टार्टअप की सबसे बड़ी शक्ति उसकी नई सोच के अंदर छिपी होती है, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास सोचने की आज़ादी होती है। और ये बुक आपको उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बताएगी जो आपको किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुली बिजनेस बनाने के लिए खुद से पूछने होंगे। आपको खुद से दोस्तों इस बुक में बताए गए सभी सवालों को पूछना होगा, क्योंकि सवाल पूछने से ही दोस्तों नए विचार आते हैं, और नए विचार ही दोस्तों देश और दुनिया का भविष्य तय करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के दूसरे रूल के बारे में, जो है दोस्तों पार्टी लाइक इट्स 1999। एक बहुत पुरानी सेइंग है दोस्तों कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जिसका मतलब है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अतीत में हुई चीज़ें किसी न किसी रूप में फिर से घटित होती हैं, इसलिए किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले हमें उससे जुड़े इतिहास को देखना चाहिए और उस दौरान हुई गलतियों से सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। 1990 का दशक कुछ लोगों के लिए अच्छा तो कुछ लोगों के लिए बुरा था। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जो अच्छी थी और कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जो कि बुरी थी, और इस दशक का अंत इंटरनेट बूम के साथ हुआ। सितंबर 1998 से लेकर के मार्च 2000 तक डॉट कॉम मेनिया की धूम थी। चारों ओर पैसा ही पैसा था, इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप में पैसा लगाने के लिए तैयार थे। इनफैक्ट कई लोग तो अपनी हाई पेइंग जॉब्स को छोड़ करके अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहे थे ताकि वो भी अमीर बन सके। लेकिन इस दौरान बहुत सा पैसा खराब भी हो गया, लेकिन लोगों को डॉट कॉम इकोनॉमी पर इतना विश्वास था कि उन्होंने किसी भी वार्निंग साइन पर ध्यान नहीं दिया। डॉट कॉम क्रैश इंसिडेंट ने अच्छे टाइम पर रोक लगा दी, और इसके साइड इफेक्ट्स को आज भी हम सिलिकॉन वैली में देख सकते हैं। इस सिलिकॉन वैली में काम करने वाले उद्यमियों ने 4 लेसन सीखे। लेसन नंबर 1, छोटे और पॉजिटिव चेंजेस हमेशा सेव होते हैं। लेसन नंबर 2, लॉन्ग टर्म प्लान में इन्वेस्ट करने की बजाय कंपनीज को लीन और मीन रहने की ज़रूरत है, जिससे कंपनी बदलावों को आसानी से अपना सकती है। लेसन नंबर 3, किसी भी बिजनेस के लिए मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना किसी नए प्रोडक्ट को क्रिएट करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसके लिए आप अपने कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे सीख करके उन मेथड्स को अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल होता है, इसीलिए हमें नई मार्केट बनाने पर फोकस करना चाहिए। लेसन नंबर 4, इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सेल्स भी प्रोडक्ट बनाने की तरह इम्पोर्टेंट होती है। पहले ये माना जाता था कि किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करने से पैसे और समय दोनों की बर्बादी होती है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे हम हमारे कस्टमर्स के पास जल्दी से पहुंच सकते हैं, जिसके कारण हमारी सेल्स बढ़ती है, और जब हमारी सेल्स बढ़ती है तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ जाते हैं, और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। डॉट कॉम बबल्स के दौरान सीखे गए ये सभी लेसन्स आज स्टार्टअप की दुनिया के लिए सिद्धांत बन गए हैं, जिनसे सीख करके हम आज अपने स्टार्टअप को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे रूल नंबर 3 के बारे में। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। आज अगर आपको एक स्टार्टअप बिल्ड करना है तो आपके अंदर कन्वेंशनल थिंकिंग से पॉजिट सोचने की एबिलिटी होनी चाहिए। एक वैल्यूएबल क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना होगा वो है कि ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जिसे कोई भी नहीं बना रहा। ये क्वेश्चन सुनने में जितना मुश्किल दिखता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपकी कंपनी बहुत अधिक वैल्यूएबल बने बिना भी अपने कस्टमर को बहुत वैल्यू प्रोवाइड करवा सकती है। केवल वैल्यूएबल बनना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको वैल्यू को कैप्चर करना भी सीखना होगा, क्योंकि वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू को कैप्चर करना दोनों अलग अलग बातें हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एयरलाइन कंपनीज अपने कस्टमर्स को हर साल बिलियन डॉलर की वैल्यू प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन 2012 में जब एक एरोप्लेन की एवरेज टिकट $178 थी, उसमें से एरोप्लेन कंपनी को सिर्फ 37 सेंट का ही प्रॉफिट होता था। 2012 के अंदर एयरलाइंस ने $160 बिलियन का बिजनेस किया था। अब अगर हम इसका कंपैरिजन गूगल के साथ करें तो 2012 में गूगल ने केवल $50 बिलियन का ही बिजनेस किया था, जिस पर उसने 21% प्रॉफिट कमाया था, जो कि उस साल एयरलाइंस बिजनेस के 100 गुना से भी अधिक था। 2012 के अंदर गूगल ने इतना सारा पैसा कमाया था कि अगर हम सारी US एयरलाइंस के प्रॉफिट को भी मिला दें तो गूगल ने उनसे 3 गुना प्रॉफिट कमाया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एयरलाइंस कंपनीज एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं, लेकिन गूगल एक मोनोपोली है जो सबसे अलग रहता है। इकोनॉमिक्स में इस डिफरेंस को समझाने के लिए हम दो मॉडल्स का उपयोग करते हैं, पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में हर कंपनी एक जैसा प्रोडक्ट बनाती है जो दिखने में एक जैसे होते हैं, इसलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट को उस प्राइस पर बेचना होता है जो कि मार्केट डिसाइड करती है, जिससे कंपनीज को प्रॉफिट बहुत कम होता है। और अगर कंपनीज को कोई प्रॉफिट होता है तो नई कंपनीज मार्केट में आ जाती हैं और प्रोडक्ट या फिर सर्विस का प्राइस और भी कम कर देती हैं, जिससे कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपनीज के प्रॉफिट और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता, लेकिन एक मोनोपोली मार्केट में कंपनी मार्केट पर पूरा कंट्रोल रखती है और अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड करती है, क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, इसीलिए ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती है। मोनोपोली से हमारा अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जो इतना अच्छा काम करती है जिसका कोई दूसरी कंपनी निकटतम विकल्प तक न दे सके। गूगल कंपनी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो कि 0 से 1 तक गई। अपनी शुरुआत से ही इसने कभी भी कम्पीट नहीं किया, इसने हमेशा खुद को माइक्रोसॉफ्ट के बिंग और याहू से अलग रखा। मोनोपोली बिजनेस खुद को बचाने के लिए हमेशा झूठ बोलते हैं। अगर कोई कंपनी अपनी मोनोपोली को एक्सेप्ट करती है तो इसका सिंपली मीनिंग ये है कि वो मार्केट का मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसलिए पहले गवर्नमेंट एजेंसीज उनकी छानबीन करेगी और फिर उन पर रेगुलेशंस लगा देगी, जिससे उन्हें मोनोपोली से मिलने वाले प्रॉफिट्स घट जाएंगे। इसीलिए कोई भी बिजनेस अपनी मोनोपोली को छिपाने की पूरी कोशिश करता है। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल कभी भी अपने आप को मोनोपोली नहीं बोलता। अगर गूगल अपने आप को सिर्फ सर्च इंजन बोले तो गवर्नमेंट इसे मोनोपोली समझेगी, क्योंकि 2021 में सारे सर्चेज के मुकाबले गूगल में 92.37% सर्चेज हुई थी। गूगल के क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर माइक्रोसॉफ्ट के बिंग में सिर्फ 3.57% और याहू में 1.31% सर्चेज हुई थी। इतना ही नहीं, अब गूगल शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हैज ए वर्ड भी शामिल किया जा चुका है। लेकिन अगर गूगल अपने आप को एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी बोले तो US की सर्च एडवर्टाइजमेंट मार्केट 2021 में सर्च इंजन लैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक $78.3 बिलियन की मार्केट है, और US की पूरी एडवर्टाइजमेंट मार्केट $285.2 बिलियन की है, और पूरी दुनिया $705 बिलियन के एडवर्टाइजिंग मार्केट है। अब गूगल अपने आप को इतने सारे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का एक छोटा सा प्लेयर बोल सकता है, जहां पर उसका मार्केट शेयर अब सिर्फ 11.2% है। लेकिन एक नॉन मोनोपोली कंपनी भी झूठ बोलती है ताकि वो अपने आप को अलग बता सके। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस खोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये बिजनेस कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ।
लेकिन ऐसा झूठ हम अपने आप से या फिर अपने इन्वेस्टर से बोल सकते हैं, क्योंकि हम एक कॉम्पिटेटिव मार्केट में हैं और एक मोनोपोली नहीं बन सकते। लेकिन अब बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है दोस्तों कि हमें अपने स्टार्टअप को हैज ए मोनोपोली खोलना चाहिए या फिर नहीं। अगर एक स्टार्टअप अपनी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर पाता है तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद बात है। अगर हम गूगल की बात करें तो उसे कंपटीशन की कोई चिंता नहीं है, वो अपने वर्कर्स की चिंता कर सकता है, अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकता है, इनोवेशन कर सकता है और पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन एक कॉम्पिटेटिव मार्केट में आपके लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे फोर्थ रूल के बारे में, जो है द आइडियोलॉजी ऑफ कॉम्पिटिशन। एक कंस्ट्रक्टिव मोनोपोली बिजनेस में एक बिजनेसमैन नए नए प्रोडक्ट को बनाता है जो उसे लगातार प्रॉफिट कमा करके देते हैं, जबकि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट्स पहले से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जैसे ही होते हैं, जिससे बिजनेस ओनर को प्रॉफिट कम होता है और उसे अपना बिजनेस चलाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। हम जितना एक दूसरे से कम्पीट करेंगे हमें उतना ही नुकसान होगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसी थ्योरी को फॉलो करता है। स्कूल या फिर कॉलेज में ग्रेड्स हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। सबसे अच्छे ग्रेड हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को नेम और फेम दिया जाता है। सभी स्टूडेंट्स को स्कूल या फिर कॉलेज में सेम तरीके से सेम सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, बिना उनकी स्किल या फिर इंटरेस्ट को ध्यान में रखे हुए। और जो स्टूडेंट्स इस एजुकेशन सिस्टम के अनुसार खरा उतरता है हम उसको अप्रिसिएट करते हैं, लेकिन फिर से यही स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट्स आगे चल करके अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल अचीव कर पाते हैं। पीटर थील कहते हैं कि उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत कुछ इसी तरीके से की थी। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थे। वो इतने होशियार थे कि जब वो 8th क्लास में थे तो उनके दोस्त ने उनसे एक बार कहा था कि वो अगले 4 साल के अंदर स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे होंगे, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया और वहाँ पर भी वो कड़ी मेहनत के साथ दूसरे विद्यार्थियों से कम्पीट करने लगे, और अब उनका फाइनल गोल सुप्रीम कोर्ट में क्लर्कशिप हासिल करना था। लेकिन फॉर्चुनेटली वह उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब वो पेपैल बेच करके अपने लॉ स्कूल के पुराने दोस्त से मिले तो उन्होंने कहा कि अगर उस टाइम उनका सिलेक्शन क्लर्कशिप में हो जाता तो वो आज भी दूसरे लोगों के लिए उनकी बिजनेस डील बना रहे होते। लेकिन जब उन्होंने 1999 में अपनी कंपनी पेपैल स्टार्ट की तो वो किसी के साथ कम्पीट नहीं करना चाहते थे। लेकिन उसी समय इलोन मस्क की कंपनी जो कि X.com थी उसकी भी शुरुआत हो चुकी थी, और इन दोनों कंपनीज के प्रोडक्ट एक जैसे थे। ऐसे में पीटर इलोन मस्क के साथ कम्पीट नहीं करना चाहते थे, बल्कि 0 से 1 तक जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इलोन मस्क के साथ मिल करके 2000 में पेपैल और X.com को मर्ज करके पेपैल को एक ऐसी कंपनी बनाया जिसके जरिए आप ईमेल्स के थ्रू कुछ ही सेकंड्स में पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते थे। पीटर का मानना था कि अगर आप दुश्मन को हरा नहीं सकते तो बेहतर होगा कि आप उसके साथ हाथ मिला लें, और इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए उन्होंने पेपैल को $1.5 बिलियन की कंपनी बनाया, जिसकी आज वैल्यूएशन $86.94 बिलियन है, जो कि आज दुनिया की 141 सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे रूल नंबर 5 के बारे में, जो है दोस्तों लास्ट मोर एडवांटेज। पीटर थील कहते हैं कि अगर आप खुद को कंपटीशन से बचा पाए तभी आप एक मोनोपोली क्रिएट कर पाएंगे। जब हम न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी का ट्विटर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि इन दोनों कंपनीज के पास कई हजार एम्प्लॉयज़ हैं और दोनों का काम लाखों लोगों को डेली न्यूज़ देना है। लेकिन जब 2013 में ट्विटर को पब्लिक किया गया तो इसकी वैल्यूएशन $24 बिलियन लगाई गई, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लगभग 12 गुना थी। 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 133 मिलियन कमाए थे, जबकि ट्विटर को हानि हुई थी। ट्विटर के इतने बड़े प्रीमियम के लिए क्या कहा जा सकता है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कैश फ्लो। किसी भी कंपनी की आज की वैल्यूएशन इस बात पर डिपेंड करती है दोस्तों कि वो भविष्य में कितने पैसे कमा सकती हैं। पीटर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनीज पहले कुछ वर्षों में लॉस बियर करती हैं, क्योंकि उनका मानना है वैल्यूएबल चीज़ें तैयार होने में समय लगता है। अधिकतर कंपनियों का मूल्य भविष्य में कम से कम 10 से 15 वर्ष बाद दिखाई देते हैं,
और आज इंडिया में दोस्तों जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था 107 यूनिकॉर्न्स हैं और उनमें से सिर्फ 16 ऐसी यूनिकॉर्न्स हैं दोस्तों जो कि प्रॉफिट में हैं। आप सभी ने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि फर्स्ट मूवर को बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। अगर आप सबसे पहले कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आप मार्केट का सबसे बड़ा शेयर ले सकते हैं, लेकिन पीटर थिल हमें बताते हैं कि लास्ट मूवर एडवांटेज और भी ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ऐसे में आप मार्केट में उपलब्ध सभी प्रोडक्ट को देख करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो मोनोपोली क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर के लिए उसे कॉपी करना मुश्किल हो जाए, जिससे आप मोनोपोली का मजा उठा सकते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि मोनोपोली बिजनेस में ऐसी कौन कौन सी बातें खास होती हैं। हर मोनोपोली बिजनेस अनूठा होता है, लेकिन उन सभी में ये चार चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। ऑथर कहते हैं कि अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसको कॉपी करना दूसरे के लिए मुश्किल हो जाता है, तो आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को कम से कम 10 से 12 गुना इम्प्रूव करना होगा। इससे कम इम्प्रूवमेंट को हम एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट मानेंगे, जिसे कॉपी करना आसान होगा। 10 गुना इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट या फिर सर्विस खोजनी होगी जो पूरी तरह से नहीं हो। अगर आप कुछ ऐसा वैल्यूएबल बनाते हैं जो पहले कहीं भी नहीं था, तो आप एक मोनोपोली बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेपल ने ईबे पर बेचने और खरीदने के काम को 10 गुना बेहतर बना दिया था। इससे पहले एक चेक को मेल होने में 10 दिन का समय लगता था, लेकिन पेपल की मदद से आप सिर्फ ईमेल के जरिए पैसों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, जिससे खरीदार उसी समय भुगतान कर सकते थे और विक्रेता उसी समय भुगतान पा सकते थे। अब उन्हें किसी चेक का इंतजार नहीं करना पड़ता था। ठीक ऐसा ही अमेज़न ने भी किया और 1995 में दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बन गया। आप भी अपने प्रोडक्ट में श्रेष्ठ और संपूर्ण डिजाइन की मदद से 10 गुना सुधार करके मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करने के लिए सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को आपके कस्टमर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बना देता है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड व्हाट्सएप पर ना हो, तो इस बात के बहुत कम चांसेस है कि आप व्हाट्सएप का यूज करेंगे, क्योंकि आज आपके सारे फ्रेंड्स व्हाट्सएप का यूज करते हैं, तो आपको भी व्हाट्सएप का यूज करना होगा। अगर आप कोई और एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपके फ्रेंड्स आपको पागल समझेंगे। मोनोपोली बिजनेस का थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक बहुत ही बढ़िया और प्रॉफिटेबल मोनोपोली बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है अगर आप उस बिजनेस को स्केल कर सके। फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विस वाले बिजनेस को स्केल करना बहुत मुश्किल माना जाता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देते हैं, तो आप लिमिटेड बच्चों को ही ट्रेनिंग दे पाएंगे, चाहे आप ज़्यादा कोचेस को ही क्यों ना हायर कर लें और अपने इंस्टीट्यूट ही क्यों ना खोल। लेकिन वहीं पर सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को ये एडवांटेज होता है कि वो अपने बिजनेस को आसानी से स्केल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सॉफ्टवेयर की दूसरी कॉपी बनाने में ऑलमोस्ट कम एफर्ट और जीरो कॉस्ट आती है, और इसे और यूजर्स को पाने के लिए नया प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे स्टार्टअप में ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने पहले डिज़ाइन के साथ ही दूसरे लेवल पर जा सके। ट्विटर के पास आज की तारीख में 1 बिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं, और इसे अधिक पाने के लिए कस्टमाइज फीचर शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण इसके विकास में कभी भी बाधा नहीं आएगी। मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करने का चौथा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, ब्रांडिंग। एक स्ट्रॉन्ग फेमस ब्रांड क्रिएट करना आपको मोनोपोली क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। आज के समय में एप्पल सबसे बढ़िया टेक ब्रांड है, क्योंकि एप्पल बहुत ही केयरफुली अपने प्रोडक्ट के लिए मटेरियल खरीदता है, चाहे वो आईफोन्स हो या फिर आईपैड। इनके प्रोडक्ट अपने कस्टमर को इतना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देते हैं कि लोग मान के चलते हैं कि एप्पल ब्रांड के सभी प्रोडक्ट बेस्ट होंगे। अब इन सभी फैक्टर्स के बारे में जानने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्या मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करने का कोई मेथड है। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ब्रांडिंग के अलावा, जब भी आप कोई स्टार्टअप खोले तो सबसे पहले आप मार्केट को एनालाइज कीजिए और फिर वहां से अपना बिजनेस
एक्सपेंड करना शुरू कर दीजिए। स्टेप वन, छोटे से शुरुआत करें और फिर मोनोपोली बना लें। आपको अपना बिजनेस हमेशा छोटी मार्केट से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब आप छोटी मार्केट से शुरू करते हैं तो आप बड़ी मार्केट के कंपैरिजन में उस पर जल्दी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बड़ी मार्केट में आपके लिए ये सब करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर आपको अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में ऐसा करने नहीं देगा। पीटर थिल ने भी जो पेपल की शुरुआत की तो हर मार्केट में ई वॉलेट का कॉन्सेप्ट नहीं लाना चाहते थे, बल्कि शुरुआत में उन्होंने ईबे के सेलर्स को अपना प्रोडक्ट ऑफर किया, क्योंकि ये लोग पैसे चेक के थ्रू पे करते थे, जिसको प्रोसेस होने में 7 से 10 दिन का समय लगता था और ये मार्केट बड़े प्लेयर्स के लिए बहुत छोटी थी, इसलिए इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। और सिर्फ 3 महीने में ही पेपल ने 25% लोगों को अपना कस्टमर बना लिया। स्टेप टू, अपने बिजनेस को स्केल करना। पीटर कहते हैं कि जैसे ही आप छोटी मार्केट को डोमिनेट कर दें, फिर आपको धीरे धीरे दूसरी रिलेटेड मार्केट्स को डोमिनेट करने के बारे में सोचना चाहिए। इसका जीता ज्यादा एग्जाम्पल हमारे सामने है अमेजोन। जेफ बेजोस ने जब सबसे पहले अमेजोन पर बुक्स बेचना शुरू किया था, तो उन्होंने जब बुक मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, उसके बाद उन्होंने अमेजोन पर सॉफ्टवेयर, सीडी, डीवीडी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बेचना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट को अमेजोन पर बेचना स्टार्ट कर दिया, और आज अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है। स्टेप थ्री, अपने बिजनेस की शुरुआत में किसी भी बड़े मार्केट प्लेयर को चैलेंज न करें, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप के पास इतनी फंडिंग नहीं होती कि वो किसी भी बड़े मार्केट प्लेयर को चैलेंज करके उससे कम्पीट कर सके। अगर आपने ऐसी कोई गलती की तो आप जल्दी ही नेफ्टर की तरह मार्केट से बाहर हो जाएंगे। सोन फैनिंग और शोन पार्कर दो यंगस्टर्स ने मिल करके 1999 में एक नेपस्टर नाम की फाइल शेयरिंग कंपनी को बनाया था, जिसने 1999 में म्यूजिक रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री को हिला करके रख दिया था। लेकिन अगले 1.5 साल के अंदर ही वो दिवालिया घोषित हो गए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 6 के बारे में, जो है दोस्तों, यू आर नॉट ए लॉटरी टिकट। बिजनेस वर्ल्ड में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों, कि सक्सेस हमें लक की वजह से या फिर स्किल की वजह से मिलती है। सक्सेस के बारे में लिखने वाले बेस्ट सेलिंग ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल अपनी बेस्ट सेलिंग बुक आउटलायर्स में सक्सेस के बारे में बताते हुए हमें कहते हैं कि सक्सेस लकी ब्रेक्स की वजह से मिलती है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट अपने आप को लकी स्कम क्लब का हिस्सा मानते हैं, और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस अपनी सक्सेस का श्रेय प्लैनेट्स की अलाइनमेंट और आधा लक और आधा सही टाइमिंग और बाकी अपनी समझदारी को देते हैं। इनफैक्ट बिल गेट्स तो खुद को लकी मानते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि वो जन्म से ही कुछ स्पेशल स्किल्स के साथ पैदा हुए थे, जिसकी वजह से ही वो इतना कुछ हासिल कर पाए जो आज उनके पास है। लेकिन ये सभी लोग स्ट्रेटेजिकली हम्बल हो रहे हैं। अगर ये बात सच है तो जो लोग एक के बाद एक सक्सेसफुल बिजनेस बना लेते हैं, उसके बारे में हम क्या कहेंगे, लक या फिर स्किल? स्टीव जॉब्स, जैक डोर्सी और इलोन मस्क ने कई सारे मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज खड़ी किए हैं। अगर सक्सेस केवल लक पर टिकी होती तो ये सभी लोग बार बार लकी कैसे हो सकते हैं? लेकिन क्या इस सवाल का जवाब लॉजिकली दिया जा सकता है? शायद नहीं। अगर हमें साइंटिफिकली चेक करना हो कि फेसबुक लक की वजह से सक्सेसफुल हुई या फिर स्किल की वजह से, तो हमें 2004 में वापस जा करके फेसबुक को लॉन्च करना होगा। हमें फेसबुक की 1000 कॉपीज बना करके 1000 दुनिया में चला करके देखनी होगी, जिससे हम देख सके कि फेसबुक कितनी बार सफल होगी। लेकिन ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास 1000 दुनिया नहीं है और स्टैटिस्टिक में हम एक सैंपल से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पेपैल की टीम की बात करें तो पूरी की पूरी टीम ही बहुत ज़्यादा फोकस लोगों की थी, और सभी ने पेपैल के बाद अपनी खुद की सक्सेसफुल कंपनीज खड़ी की। पेपैल की टीम से इलोन मस्क ने स्पेसएक्स, टेस्ला मोटर्स, डीप माइंड, दी बोरिंग कंपनी, ओपन एआई जैसी बहुत सी कंपनीज बनाई। रेड हुफमैन ने लिंक्डइन बनाया, स्टीव चैन, जावेद करीम और चैड हर्ली ने यूट्यूब बनाया, जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, और पीटर थील ने प्लेंटियर बनाई। आज इन सभी कंपनीज की इंडिविजुअल नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही टीम के सारे मेंबर्स एक साथ लकी हो जाएं? और अगर आप फिर भी लक में बिलीव करते हैं तो इस वीडियो समरी को देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है।
फिर तो ये आप लोगों के लिए लोगों की लॉटरी जीतने की कहानी के समान ही है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप सोचते हैं कि सक्सेस हार्डवर्क से मिलती है, तो आप सफल होने के लिए मेहनत करेंगे, नई नई स्किल्स सीखेंगे। लेकिन अगर आप सक्सेस को लक के रूप में देखेंगे, तो आप कभी भी हार्डवर्क नहीं करेंगे और हार मान करके बैठ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 7 के बारे में, जिसमें ऑथर पीटर थील हमें मनी को फॉलो करने के बारे में बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है। जब हम अपने पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास और ज़्यादा पैसा आता है। लेकिन जब हम अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करते, तो जो पैसा हमारे पास होता है, वो भी हमसे छीन जाता है। पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के दौरान हमें 80-20 प्रिंसिपल, जिसे प्लेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। जितने भी VC यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म होती हैं, वो इसी फॉर्मूले को ध्यान रखती हैं। इसी को ऑथर ने पावर लॉ का नाम दिया है। VCs को सबसे पहले उन सभी कंपनीज को खोजना चाहिए जो सक्सेसफुली 0 से 1 तक जा सकते हैं। बेशक कोई भी ये नहीं जान सकता कि कौन सी कंपनी इन फ्यूचर सफल होगी या फिर नहीं, इसीलिए सबसे बेहतरीन VC फर्म्स के पास एक पोर्टफोलियो होता है। कंपनियों में इन्वेस्ट करने के बाद VC फर्में कुछ समय तक इंतजार करती हैं। सभी कंपनियों में से कुछ कंपनियां शुरू के कुछ वर्षों के बाद ही बंद हो जाती हैं, और कुछ कंपनियां नॉर्मली परफॉर्म करती हैं, और उनमें से कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो 100 से 200 गुना अच्छा परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से ही VC कंपनियां असाधारण रूप से फैल होने के बाद भी सक्सेसफुल हो जाती हैं। इसी तरह से स्टार्टअप की दुनिया में भी पावर लॉ काम करता है। स्टार्टअप दुनिया के लिए इसका मतलब है कि आपके लिए अपनी खुद की कंपनी खोलना कंपलसरी नहीं है, भले ही आप कितने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो। क्योंकि जब आप खुद कोई कंपनी शुरू करते हैं, तो पावर लॉ के अनुसार आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में अगर आपकी कंपनी फेल होती है, तो 100% नुकसान आपका होगा। इस दौरान आप ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ सकते हैं जिनकी भविष्य में 0 से 1 तक जाने की बहुत संभावनाएं हों। यहाँ पर भले ही आपको 100% इक्विटी ना मिले, लेकिन गूगल जैसी कंपनी का 0.01% हिस्सा भी किसी ऐसी कंपनी के 100% से ज़्यादा है, जिसकी भविष्य में सफल होने की संभावना बहुत कम है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे रूल नंबर 8 के बारे में, जो है दोस्तों सीक्रेट्स। अगर आप सोचते हैं कि हम इस दुनिया को समझते हैं और हमें सब कुछ पता है, तो ऐसे में हम 0 से 1 तक कभी भी नहीं जा सकते। पीटर थील कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के आइडियाज होते हैं। पहला, कन्वेंशनल आइडियाज, ऐसे आइडियाज जो सबको पता होते हैं और जिन्हें सब मानते भी हैं। अगर आप इन आइडियाज पर काम करेंगे, तो आप एक मोनोपोली बिजनेस नहीं बना पाएंगे। जैसे अगर आप 18th सेंचुरी में होते, तो आप बोल सकते थे कि मुझे दुनिया की खोज करनी है, मुझे देखना है कि समुंदर के उस पार क्या है, और शायद आपको कोई नया देश भी मिल जाता। लेकिन आज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया खोजी जा चुकी है। दूसरे आइडिया हैं दोस्तों, जिन्हें हम रहस्य बोलते हैं, और उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि साइंटिस्ट यूनिवर्स को समझने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, और इसको सॉल्व करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ऑथर के अनुसार ऐसे आइडियाज पर भी काम करना बेवकूफ़ी होगा। और तीसरे आइडियाज हैं दोस्तों, जो इन दोनों के बीच के आइडिया हैं, इन्हें ऑथर सीक्रेट्स बोलते हैं। सीक्रेट्स वो आइडियाज होते हैं जो साधारण लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आते, लेकिन उन्हें समझना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम 0 से 1 तक का बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो हमें सीक्रेट्स ढूंढने ही ढूंढने होंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों, कि लोग सीक्रेट्स को क्यों नहीं ढूंढते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी मेंटलिटी, जो बचपन से ही प्रोग्राम हो चुकी है। जब आप अपने स्कूल या फिर कॉलेज में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, सिलेबस से बाहर का करते हैं, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन जब आप वही करते हैं जो सिलेबस में होता है, तो आपको मान सम्मान मिलता है, आपकी तारीफ होती है। इसी वजह से लोग बड़े होकर के भी अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर पाते। इसका दूसरा कारण है रिस्क लेने की क्षमता। आज के समय में लोग गलत होने से डरते हैं, क्योंकि सीक्रेट्स
अभी आम जनता ने अपनाए नहीं है, इसीलिए उन पर काम करने से लोग डरते हैं। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आप कभी भी सीक्रेट्स को नहीं ढूंढ पाएंगे। तीसरा कारण है दोस्तों, जब तेज दिमाग वाले लोग किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि इस कॉलेज में आने के बाद आपकी लाइफ सेट हो चुके हैं और आप सक्सेसफुल लाइफ को जिएंगे। इसी वजह से जो लोग सीक्रेट्स को ढूंढ सकते थे वो सीक्रेट्स को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। और चौथा कारण है दोस्तों, समतल होना। जब लोग खुद से ये पूछते हैं कि अगर सीक्रेट्स होते तो जो लोग हमसे मेहनती हैं, गुणी हैं, स्मार्ट हैं, तो वही लोग क्यों नहीं इन सीक्रेट्स को ढूंढ लेते और उन पर काम करना शुरू कर देते। इसी वजह से कुछ लोग सीक्रेट्स को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ऐसे में हम सीक्रेट्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद से ये दो सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल, नेचर यानी कि प्रकृति आपको कौन सा सीक्रेट नहीं बता रही। दूसरा सवाल, लोग आपको कौन सा सीक्रेट नहीं बता रहे। पीटर थील कहते हैं कि फिजिक्स के PhD के साथ काम करना मुश्किल होता है क्योंकि वे नेचर से जुड़ी सभी बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं, इसीलिए वे सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन क्या जिस स्टिंग थ्योरी के बारे में पता है वो एक अच्छा क्रिकेटर भी हो सकता है? ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ऑथर हमें बताते हैं कि सीक्रेट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला, नेचर से जुड़े हुए सीक्रेट्स। दूसरा, लोगों से जुड़े हुए सीक्रेट्स। पेपैल के लिए जब एक बार पीटर थील ने किसी फिजिसिस्ट का इंटरव्यू लिया था तो उसने पीटर के सवाल पूछने से पहले ही कहा, रुकिए, मैं जानता हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं। लेकिन वो गलत था, इसीलिए पीटर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। पीटर कहते हैं कि हमें सीक्रेट्स को वहाँ पर ढूंढना चाहिए जहाँ उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग सीक्रेट्स को वहीं ढूंढते हैं जो उन्हें स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ाया जाता है। सीक्रेट्स की खोज के लिए सबसे बेहतर जगह वही होती है जहाँ कोई और नहीं देख रहा। अधिकतर लोग केवल उतना ही सोचते हैं जितना उन्हें सिखाया जाता है। स्कूल भी केवल ट्रेडिशनल नॉलेज को लोग अपने विद्यार्थियों के अंदर ट्रांसफर करने का गोल रखता है। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसी फील्ड है जो मायने रखती है लेकिन अभी भी उसमें सीक्रेट्स खोजने बाकी हैं। एग्जाम्पल के लिए, फिजिक्स को सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाता है और इसको पहले से तय मेथड के अनुसार पढ़ाया जाता है। फिजिक्स का अपोजिट है दोस्तों एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता। लेकिन वहीं पर न्यूट्रिशन के बारे में हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन हम सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में नहीं पा सकते। अधिकतर टॉप साइंटिस्ट दूसरी फील्ड के अंदर जाते हैं। ऐसे में न्यूट्रिशन की फील्ड में हमें सीक्रेट्स मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमें ऐसे फील्ड के अंदर जा करके सीक्रेट्स ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आज भी हमें न्यूट्रिशन के बारे में उतना ही पता है जितना कि हमें 40 से 50 साल पहले पता था। आगे हमारे माइंड में ये सवाल आ सकता है कि जब हमें कोई सीक्रेट मिल जाता है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, कि आप उस सीक्रेट को अपने पास रख सकते हैं, और दूसरा, कि आप उस सीक्रेट को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑथर हमें कहते हैं कि हमें सीक्रेट्स को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए और केवल उन्हीं लोगों को बताना चाहिए जो आपके साथ मिल करके काम करने वाले हैं, क्योंकि हर सक्सेसफुल बिजनेस किसी न किसी सीक्रेट की वजह से ही बड़ा बनता है। एक सीक्रेट के अंदर ही इस दुनिया को पूरी तरह से बदलने की पावर होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे रूल नंबर 9 के बारे में, जो है दोस्तों फाउंडेशंस। पीटर कहते हैं दोस्तों कि हर महान और बड़ी कंपनी अनूठी होती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस की शुरुआत में ही सही कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस के शुरुआत में की गई गलतियां ही किसी बिजनेस के लिए आगे जा करके उसके विनाश का कारण बनती हैं। इसके लिए आपको हमेशा इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपने साझेदार का चुनाव आपको बड़ी सावधानी से करना होगा, क्योंकि गलत साझेदार का चुनाव आपको और आपकी कंपनी को दिवालियापन तक ले जा सकता है। पीटर थील कहते हैं कि जब भी वो किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो सबसे पहले यही देखते हैं कि उस कंपनी में काम करने वाले फाउंडर्स के बीच में कैसा रिलेशंस है, वो एक दूसरे को कितना अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी बॉन्डिंग कैसी है। और उसके साथ ही दोस्तों पीटर ये भी हमें बताते हैं कि केवल फाउंडर्स ही मिल करके एक बड़ी कंपनी को नहीं बना सकते, इसके लिए उन्हें अपने साथ एक टीम की भी जरूरत होती है। एक ऐसी टीम जो आपके गोल्स और पर्पस से जुड़ी हो,
पीटर कहते हैं कि हमेशा हमें जितना हो सके अपने बिजनेस में काम करने के लिए फुल टाइम एम्प्लॉयज को ही हायर करना चाहिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयज आपके साथ फुल टाइम काम करेंगे वही आपकी कंपनी को भविष्य में आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है दोस्तों कि कई बार आपको पार्ट टाइम अकाउंटेंट्स या फिर लॉयर्स को भी हायर करना पड़ सकता है। ऐसे में आप इस रूल को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहिए। नंबर टू, आपको अपनी कंपनी में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉयज़ के अधिकार और उनके दायित्वों को पहले से डिफाइन करना होगा, ताकि आगे जा करके कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। पीटर कहते हैं दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी एम्प्लॉयज पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ काम करें, तो आपको उन्हें अच्छी सैलरी भी देनी होगी। एक कंपनी का को फाउंडर या फिर सीईओ खुद को जितनी कम सैलरी देगा, कंपनी उतनी ही बेहतर तरीके से चलेगी। जब एक स्टार्टअप का ओनर खुद को कम सैलरी देता है, तो वह अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है। बॉक्स कंपनी के सीईओ एरोन लेवी हमेशा खुद को सबसे कम सैलरी देते थे। इनफैक्ट बॉक्स कंपनी के शुरू होने के 4 साल बाद तक भी वो अपने ऑफिस से कुछ दूरी पर एक कमरे में रहते थे, जिसमें एक गद्दे के सिवाय कुछ भी नहीं था। हर एम्प्लॉय कंपनी के प्रति उनका समर्पण देकर उनके जैसा ही बनने की कोशिश करता था। नंबर फोर, पीटर कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप कंपनी को अधिक सैलरी देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे उन्हें और कुछ बेहतर दे सकते हैं। किसी भी स्टार्टअप ओनर के लिए स्टार्टअप में इक्विटी देना एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का पुराना और एक बेहतर तरीका है दोस्तों। इससे एम्प्लॉयज खुद को कंपनी का ओनर समझते हैं और जी जान से काम करते हैं। इसके साथ ही पीटर हमें ये भी कहते हैं कि हमें इक्विटी का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा टैलेंट के आधार पर करना चाहिए, और किस व्यक्ति को कितनी इक्विटी दी गई है ये बात आपको हमेशा अपने को फाउंडर्स के बीच में ही रखनी चाहिए। अगर ये बात किसी भी तरह से लीक होती है, तो इसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज के अंदर डिस्प्यूट पैदा होगा, जिसकी वजह से आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे रूल नंबर 10 के बारे में, जो है दोस्तों कंपनी कल्चर। ऑथर कहते हैं कि किसी भी कंपनी में कल्चर नहीं होता, बल्कि हर कंपनी एक कल्चर होती है। स्टार्टअप ऐसे लोगों की टीम होती है जो कि एक मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रहे होते हैं। ऐसे में एक बेहतर कंपनी कल्चर प्रोवाइड करवाना आपकी जिम्मेवारी होता है दोस्तों। आपकी कंपनी का कल्चर ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉयज अपने वर्किंग आवर्स को भूल करके काम करते रहे। ऑफिस खुला होना चाहिए, ना कि छोटे छोटे कैबिन्स के अंदर बटा हुआ। अगर पॉसिबल हो सके तो कंपनी में खाने और जिम की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिससे आपके एम्प्लॉयज आकर्षित होते हैं। अगर आप किसी भी एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में लंबे समय तक काम करने के लिए रोकना चाहते हैं, तो आपको उन्हें अपने गोल्स के साथ अलाइन करना होगा। अगर आप अपने गोल्स को, अपने पर्पस को डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं जिनको आप अपनी कंपनी के अंदर रिटेन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि आप कोई भी अहम काम क्यों कर रहे हैं और जिसे दूसरा नहीं कर रहा। केवल यही एक चीज़ आपको अनूठा दिखा सकती है। पीटर थिल हमें कहते हैं कि पेपल में हम सभी डॉलर के मुकाबले एक नई डिजिटल करेंसी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। केवल एक अच्छे पर्पज का होना ही काफ़ी नहीं है। जो भी नया सदस्य आपकी कंपनी का हिस्सा बन करके काम करना चाहता है, वो ये अवश्य सोचेगा कि क्या ये उस तरह के लोग हैं जिसके साथ मिल करके मैं काम करना चाहता हूँ। आपको ये बताना होगा कि आपकी कंपनी निजी रूप से उसके लिए क्यों परफेक्ट है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो शायद वह आपके साथ लंबे समय तक काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी के हर एक एम्प्लॉयज की पहचान उसके नाम की बजाय उसके काम से होनी चाहिए। किसी भी स्टार्टअप में सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि जब सभी लोग मिल करके काम करते हैं, तो बिजनेस की शुरुआत में सभी लोगों को ये डिफाइन नहीं किया जाता कि उनका क्या काम है और उनके क्या अधिकार और क्या दायित्व हैं। इसी वजह से उन सभी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलती है, और आपका स्टार्टअप अगर इसी समस्या से जूझ रहा है, तो वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए एज ए स्टार्टअप फाउंडर आपको आपकी कंपनी में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज के अधिकार और उनके दायित्वों को शुरू में ही पहले क्लियरली डिफाइन करना होगा, जिससे हर एक एम्प्लॉयज को ये पता होगा कि वो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसे कौन सा काम करना है।
तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे रूल नंबर 11 के बारे में, जिसमें ऑथर हमें कहते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस बनाते हैं तो क्या कोई उसे खरीदेगा। हालांकि सेल्स चारों तरफ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सेल्स की इम्पोर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कई लोग मानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करने से कस्टमर के माइंड पर कोई भी फैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का मतलब किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की सेल करना नहीं, बल्कि आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में लोगों को बताना होता है, जिससे जब कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड होती है तब वो उसे खरीदता है। जो भी स्टार्टअप फाउंडर एडवर्टाइजमेंट की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, उन्हें बाद में जा करके पछताना पड़ता है। इंजीनियर्स या फिर पढ़े लिखे लोग जब भी किसी सेल्समैन को देखते हैं तो वो उनसे चिढ़ते हैं, क्योंकि सेल्स पर्सन घंटों तक फोन पर बातें करते रहते हैं, कस्टमर के साथ हंसी मजाक करते हैं, लंच ब्रेक पर जाते हैं। उन्हें ऐसा करते देख करके उन्हें लगता है कि सेल्स करना कोई सीरियस काम नहीं है। लेकिन यही एक सेल्समैन के अंदर कला होती है, जिसकी वजह से वो कस्टमर से इतना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है कि सेल्स करना आसान हो जाता है। जब भी कोई इंजीनियर ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा कि वो अपने आप ही बिक जाएगा, तो वो खुद को बेवकूफ बना रहा होता है। पीटर कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के निर्माण के साथ ही उसे बेचने की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी सोचना होता है। अगर आप ऐसा कर पाने में असफल होते हैं तो आप सक्सेसफुली बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को कैसे बेचा जा सकता है। एक अच्छी सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आप एक साधारण से प्रोडक्ट के साथ भी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अपोजिट भी उतना ही सत्य है। किसी भी कस्टमर को एक्वायर करते समय आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कोका यानी कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, और दूसरा CLV यानी कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कि आपको किसी भी कस्टमर को एक्वायर करने पर CLV से हमेशा कम खर्च करना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी भी कस्टमर से पूरी लाइफ के दौरान 1,000 रुपये कमा सकते हैं, तो आपको कभी भी उस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 1,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। प्राइस रेंज के आधार पर आप अपने प्रोडक्ट को इन 5 तरीकों से बेच सकते हैं। पहला तरीका, कॉम्प्लेक्स सेल्स। जब आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस की कॉस्ट $10 मिलियन या फिर इससे ज़्यादा हो, तो इसे कॉम्प्लेक्स सेल्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। इस तरह की सेल्स के लिए आपको खुद कस्टमर से डील करनी होगी, और इंस्टॉलेशन के दौरान ही फॉलोअप करना होगा, और डील पूरी होने पर भी आपको उसे सर्विस देनी होगी। इस तरह की सेल्स साल या फिर 2 साल में एक बार होती है। अगर आप कोई रॉकेट, सबमरीन या फिर हेलीकॉप्टर या फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, अगर आप ऐसी चीज़ें बेचते हैं तो आप इस सेल्स टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। SpaceX इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इलोन मस्क ने अपने रॉकेट स्टार्टअप लॉन्च करने के कुछ ही सालों के अंदर US स्पेस एजेंसी NASA को मना लिया कि वो स्पेस टल की बजाय SpaceX से न्यू टेक्नोलॉजी और डिजाइंस लें। इस तरह की सेल्स के लिए आपके पास टेक्निकल स्किल्स और इसके साथ साथ पॉलिटिकल सपोर्ट का भी होना जरूरी है। वो सेल्स करने का हमारा दूसरा तरीका है दोस्तों, पर्सनल सेल्स। अगर आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस का प्राइस $10,000 से लेकर के $1,000 के बीच में है, तो आप अपनी एक सेल्स टीम रख सकते हैं। आपको इस दौरान अपनी शुरुआती सेल्स करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेल्स करने का तीसरा तरीका है दोस्तों, डेड जोन। अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस $1,000 के आसपास है, तो आप डेड जोन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से आप कभी भी किसी भी कस्टमर को $1,000 का प्रोडक्ट बेचने के लिए कन्वेंस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट के लिए अपनी सेल्स टीम रखेंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। इसीलिए आपको हमेशा इस प्राइस रेंज के बीच में प्रोडक्ट क्रिएट करने से बचना चाहिए। और किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेचने का फोर्थ तरीका है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग। जब आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस की रेंज $100 या फिर इससे नीचे है या फिर इसके आसपास है, तो आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेचने के लिए TV कमर्शियल, न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का सहारा ले सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेचने का फिफ्थ तरीका है दोस्तों, वायरल मार्केटिंग। जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस $1 से $100 के बीच में होता है, तब आप वायरल मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं। YouTube, Instagram वीडियो जिन्हें बहुत जल्दी शेयर किया जाता है, वायरल मार्केटिंग का एग्जांपल है। जब आप
यूट्यूब या फिर फेसबुक पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट देते हैं जिसके अंदर फीलिंग्स हो, जिसके अंदर इमोशंस हो, जिसके अंदर एंगर या फिर गुस्सा हो, कुछ ऐसी चीज़ जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और जिसको शेयर करना लोगों को पसंद आए, तो आप वायरल मार्केटिंग का यूज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे रूल नंबर 12 के बारे में, जो है दोस्तों मैन एंड मशीन। आज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब इसे ही हम टेक्नोलॉजी समझते हैं। कंप्यूटर्स की क्षमता आज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज के स्मार्टफोन में उन कंप्यूटर्स की तुलना में हजारों गुना अधिक प्रोसेसिंग पावर है, जिसका उपयोग हमने स्पेस में जाने के लिए किया था। कुछ लोग मशीनों को ह्यूमंस के लिए खतरा मानते हैं। उनका मानना है कि कंप्यूटर और नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों का रोजगार छीन जाएगा, क्योंकि वे मनुष्य के मुकाबले लोगों से तेज काम कर सकते हैं। लेकिन पीटर का मानना है दोस्तों कि आने वाले समय में सबसे वैल्यूएबल बिजनेसेस उन बिजनेसमैन्स के द्वारा ही बनाए जाएंगे जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस को साथ में ले करके काम कर पाएगी। टेक्नोलॉजी को हमें ह्यूमंस के अपोजिट नहीं बल्कि उनके कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक समझना चाहिए। जब हम टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमंस की पावर को भी मिला देते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ का सोल्यूशन भी पा सकते हैं। इसीलिए एक स्टार्टअप को अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी और ह्यूमन दोनों को बेहतर तरीके से उपयोग करना सीखना चाहिए। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एक ही जगह पर ढेर सारा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और ह्यूमन बीइंग की हेल्प से हम उसका विश्लेषण करके महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे रूल नंबर 13 के बारे में, जो है दोस्तों क्लीन टेक। 21वीं सदी की शुरुआत से ही सभी लोग इस बात से सहमत थे कि क्लीन टेक टेक्नोलॉजी ही अगली सबसे बड़ी चीज होने वाली है, और इसी विश्वास के चलते उद्यमियों ने हजारों क्लीन टेक कंपनियों को स्थापित किया और इन्वेस्टर्स ने उनमें $50 बिलियन से भी ज्यादा पैसे को लगा दिया। लेकिन ये काम नहीं आई। अधिकतर क्लीन टेक कंपनियों ने मुंह की खाई, क्योंकि उन्होंने इन 7 सवालों में से एक या फिर उससे अधिक सवालों का जवाब नहीं दिया था। पीटर कहते हैं कि अगर आप अपने स्टार्टअप की सक्सेस के चांस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इन 7 सवालों का जवाब देना होगा, जिनमें पहला सवाल है दोस्तों द इंजीनियरिंग क्वेश्चन। क्या आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10 से 12 गुना ज़्यादा अच्छा हो? दूसरा टाइम क्वेश्चन, क्या यह सही टाइम है इस तरह का बिजनेस लाने के लिए? तीसरा मोनोपोली क्वेश्चन, क्या आप अपने बिजनेस को छोटे मार्केट शेयर से शुरू कर रहे हैं? चौथा है पीपल क्वेश्चन, क्या आपके पास सही लोगों की टीम है? पांचों है डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, क्या आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के साथ साथ सेल्स और मार्केटिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं? छठा है ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन, क्या आप जिस प्रोडक्ट को आज बना रहे हैं वो आने वाले 10 या 20 सालों तक भी लोगों के उपयोग में आएगा? और सातवां है दोस्तों द सीक्रेट क्वेश्चन, क्या आपने उस अवसर को पहचान लिया है जिसे अभी तक कोई भी नहीं देख पाया है? आपकी इंडस्ट्री या फिर बिजनेस कोई भी क्यों ना हो, आपके पास हमेशा एक बढ़िया बिजनेस प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास इन सभी सवालों के जवाब नहीं है तो आपको खराब किस्मत का सामना करना पड़ सकता है और आपका काम ठप हो सकता है। अगर आपके पास इन 7 सवालों में से 5 से 6 सवालों के जवाब भी हाँ में हैं, तब भी आप एक स्टार्टअप को सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हैं। टेस्ला कंपनी उन क्लीन टेक कंपनियों में से है जो पिछले दशक में शुरू हुई और आज भी फल फूल रही हैं, क्योंकि उन्होंने इन 7 सवालों का सही तरीके से उत्तर दिया था। इसीलिए टेस्ला इतनी बड़ी सक्सेसफुल कंपनी बन पाई है। वेल फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो समरी आपको आपके स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल बिजनेस कन्वर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ऐसी अमेजिंग लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग बुक्स की समरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस में फाइनेंस को समझना चाहते हैं तो आप राइट वीडियो को क्लिक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्स के बारे में सीखें तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।